Don't forget to subscribe my channel and must press the bell icon to get all notification of new videos. Thank you so much. Assalamu alaikum, welcome back to my channel Art with Maha Muzammil. So last जो हमारी वीडियो थी इस पेंटिंग से रिलेटेड उसमें मैंने इसका बैकग्राउंड बनाना सिखाया था और इससे पहले इसकी जो बेसिक मटेरियल था वो बताया. सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ट्री ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि इसके जो ट्री हैं ट्रंक्स हैं ट्री के वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो इसमें मेरा जो क्योंकि ये लाइट कलर है थोड़ा सा डार्क भी है इसके अंदर ब्लैक भी है तो इसके अंदर मैं चाइनीज़ वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लाइट लाइंस लगानी है. बट अगर आपके पास कोई और कलर है लाइक बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप कोई नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए जो बेसिक स्केच बनाना होता है. तो डर के नहीं बनाना, एग्जैक्ट जो है ट्रंक्स बनाने की कोशिश नहीं करनी, वो बनेगा भी नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है एक जैसे लीव हो गया, ट्रंक्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ट्री हो गए, वो उनकी एक अपना एक वे होता है, वो अपने उसके लिहाज से होते हैं. तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर सेम नहीं भी बनते उसकी जो लाइंस हैं या जो उसकी ट्रंक्स हैं तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है. और यहाँ पे मैंने इसका बेसिक स्केच बनाया है, मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है बट आप लोगों को इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा लाइट ड्रॉ किया है. तो लाइट ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि जो जब हम पेंट करें तो इसका बैक साइड से जो है वो कलर या पेंसिल या जो भी हम यूज़ करें वो ना नज़र आए. तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ पे हमें सन शो करवाना है तो मिड पॉइंट जो है वो लाइट होगा और जो साइड्स आएंगी तो वो डार्क हो जाएंगी. इसी तरह ट्रीज़ में भी होगा कि जो ट्रीज़ मिड में आएंगे वो लाइट होंगे और जो साइड्स पर आएंगे वो डार्क होंगे. तो यहाँ पे मैंने येलो कलर, ऑरेंज कलर और क्रिम्सन कलर को मिक्स किया है. येलो कलर ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें थोड़े से लाइट ट्रीज शो करने हैं क्योंकि अभी स्टार्ट जो है वो जो मिड में ट्रीज आएंगे छोटे ट्रीज होंगे क्योंकि वो दूर हैं. दूर से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो थोड़ी सी लाइट फोगी और इस तरह से नज़र आती है. तो इसलिए यहाँ पर मैंने येलो कलर, क्रिम्सन कलर और ऑरेंज कलर तीनों कलर्स को मिक्स किया है. जो हमारा बैकग्राउंड है उन्हीं तीन कलर्स को तो उसको मिक्स करके काफ़ी लाइट येलो कलर ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमें लाइट कलर यूज़ करना है. तो लाइट के साथ मैं अपना जो है एक लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आईलाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ. आप इसकी जगह कोई और भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ही बारीक हो. तो पेंट को आपने थोड़ा सा थिन रखना है क्योंकि जब आप लाइंस लगाएंगे अगर आपका पेंट थिक होगा तो वो आपको जगह जगह पर ड्रॉप करेगा. तो हमें स्मूथ लाइन चाहिए तो उसको आपने बहुत ही लाइट करनी है. जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बहुत लाइट सा है, डार्क नहीं है, बहुत लाइट सा जिस तरह फॉगी सा होता है उस तरह से इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर. इसी तरह आपने लाइंस लगानी है और नीचे से ऊपर की तरफ लेके जानी है और उसको लाइट से प्रेशर के साथ एंड जो है उसका लाइट से प्रेशर के साथ करना है, उसको छोड़ देना है एंड पे क्योंकि वो जो टहनी होती है जो ट्रंक होता है उसका जो एज होता है वो बहुत बारीक होता है. इसी तरह जैसे जैसे आप डार्क टोन्स चाहेंगे वैसे वैसे इसके अंदर थोड़ा सा पहले ब्राउन कलर आप ऐड करेंगे. रॉ अंबर भी यूज़ कर सकते हैं, बर्नड अंबर भी यूज़ कर सकते हैं. पहले आप इसके अंदर ब्राउन कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा डार्क हो, लेकिन वाइट कलर के कहीं कहीं इफेक्ट्स आने चाहिए, ठीक है. तो साथ साथ ही आपने जब आपने ब्राउन कलर ऐड करना शुरू किया तो वो थोड़ा सा ऑरेंज टोन ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, लाइट से डार्क की तरफ आना है. तो जब वो डार्क होगा फिर थोड़ा और जब हम उसकी साइड्स पे जाएंगे तो थोड़ा और ब्राउन कलर ऐड कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाए और थोड़ा ऑरेंज भी इसमें ऐड करेंगे ताकि जो हमारा बेसिक बैकग्राउंड है उसके साथ मैचिंग करना है तो उसके लिए हमें ऑरेंज कलर ज़रूर ऐड करना पड़ेगा. जैसे दूसरी पेंटिंग्स में मैंने ब्लू कलर में ब्लू किया है और पर्पल में पर्पल किया है तो इसी तरह यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर थोड़ा सा ऐड किया है ताकि थोड़ा सा ट्रंक्स जो हैं वो डार्क बने क्योंकि अब हम करीब की तरफ आ रहे हैं तो वो थोड़े से डार्क होते जाएंगे. और इसी तरह फिर ब्लैक कलर ऐड होगा और जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे हैं वो तो बिल्कुल ही प्योर ब्लैक कलर के साथ बनेंगे. यहाँ पर थोड़ा सा स्पीडअप भी कर देती हूँ, थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो. अभी एंड में मैं थोड़ा सा आपको कुछ और भी ब्रीफ कर दूँगी. और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, किसी भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम कर रही है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आऊँ. थोड़ी सी बिजी शेड्यूल की वजह से कुछ मेरा जो है
इंजरीज़ की वजह से मैं अभी ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो और सिखाऊँ। तो थोड़ा सा बैठ लेती हूँ मैं भी और आप लोगों के लिए थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग थोड़े से बोर ना हो जाएं। यहाँ पर मैंने इसकी बेसिक ग्रास जो है वो कॉर्नर्स पे वो भी बना दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ जो है उसका एंड करना है और पेंट को बहुत ही ज़्यादा थिन बनाना है। आई एम सो सॉरी, यहाँ से वीडियो का थोड़ा सा एक पार्ट मिस हो गया है। यहाँ पर मैं डॉट्स लगा रही हूँ ऑरेंज कलर के साथ और वाइट कलर के साथ, जैसे स्नोई इफेक्ट है। और इंशाल्लाह अभी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो जो आपको कार्ड्स मिलते हैं आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।